ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम गणेश बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या चाहिए। जैसे आप देख सकते होंगे ना, मैंने यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, हमें ये फिनिशिंग देने के लिए चाहिए। और यहाँ पे मैंने मिट्टी लिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप इसकी जगह क्ले ले सकते हैं, जो बच्चों के नॉर्मल क्ले होते हैं खेलने वाले, आप वो ले सकते हैं। या तो जो मूर्ति का जो मूर्ति बनाते हैं उनके पास से आप मिट्टी लेके आए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उनमें क्रैक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल मिट्टी ली है। आप ज्यादा अच्छा होगा अगर आप स्थापना करना चाहते हैं गणेश जी की, तो उनमें क्रैक ना आए, तो वो उसके लिए आप मूर्तिकार से जाके मिट्टी लेके आए, या शॉप्स में भी मिट्टी मिलती है तो आप वो ले ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी मुझे जस्ट आपको दिखाना था, इसलिए मैंने नॉर्मल मिट्टी का यूज किया। तो यहाँ पे ये दो चीजें, इसके अलावा मैंने यहाँ पे टूथपिक लिया है। अगर टूथपिक नहीं हो तो नॉर्मल आप कोई सी भी लकड़ी या लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लास्ट चीज जो ली है वो है पेंट। ये है गोल्डन स्प्रे पेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बहुत बताया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह आप नॉर्मल जो फैब्रिक कलर्स होते हैं गोल्डन कलर के, आप वो ले सकते हैं। जो बच्चों के रंगीला पेंट्स आते हैं वो ले सकते हैं, जो हमें गणेश को कलर करने के लिए काम में आएगी। तो इतनी सारी चीजें थी जो हमें चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी के कुछ पार्टीशन करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ पीसेस करना है मिट्टी के। जो बाकी है वो हम रख देते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले नीचे का जो बेस होता है हमें वो रेडी करना है। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, आपके पास जितनी मिट्टी है आप उसके अकॉर्डिंग उसे ले लीजिए। हमें इससे पहले एक राउंड सर्कल शेप में करना है, जो हमें बेस के लिए रेडी करना है। उसके बाद हमने एक दूसरा सर्कल करना है। अब हमने यहाँ पे टूथपिक के हेल्प से यहाँ पे कुछ ऐसे निशान बनाने, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे मिट्टी एक दूसरे में बहुत अच्छे से स्टिक होती है। हमने यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। अब हमने थोड़ी पानी की हेल्प से इसे मिला देना है। थोड़े अच्छे से आप इसे प्रेस करें, ये आप देख पा रहे होंगे। अब पानी की हेल्प से इसके अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इस पे पानी से अच्छे से फिनिशिंग कर ली, जहां जहां भी आपको क्रैक दिखते हैं अब फिनिश कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ये फ्रंट का पोर्शन जो है ना थोड़ा उभरा हुआ रखा है, जो ये अभी गणेश जी के हम पेट बनाएंगे ना वो थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे और मिट्टी थोड़ा ज्यादा ही डालना है आपको। जब ये आपका कम्प्लीट हो जाए फिर थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए, और हमें अब हेड बनाना है, तो उसके लिए आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए। देन टूथपिक उस पर एक डालें और यहां पे स्टिक कर दें। जाए उसके बाद अब हमें
थोड़े दो यहाँ पे पैर बनाने हैं और दो यहाँ पे हैंड बनाने हैं। तो उसके लिए भी आप चार पोर्शन ले लीजिए पहले इक्वल इक्वल क्वांटिटी में। उसके बाद आपको जस्ट इस शेप में करना है और कोशिश करें कि लास्ट का जो पोर्शन होता है ना ये पतला रखें थोड़ा, ताकि जो पैर हैं वो पतले रहें। और हमें आप ये देख सकते हैं ये पीछे वाले पोर्शन से लेके हमें थोड़ा सा ऊपर से लें और ये नीचे की तरफ ऐसा जाना चाहिए। अब देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऊपर मैंने लिया हुआ है, इस शेप में ले और फिर इसे अच्छे से फिनिश करें। हमें सेम इस तरफ भी बनाना है और फिर हमें हाथों को वैसे ही जोड़ना है। आप ये देख सकते हैं मैंने ये दोनों लेग यहाँ पे जोड़ लिए हैं और हमको बहुत अच्छे से इसको फिनिश करते जाना है पानी की हेल्प से, ताकि इस पे निशान ना दिखे। और आप ये देख सकते होंगे, मैं आपको पीछे भी दिखा सकती हूँ, पीछे भी हमें इवन दिखना चाहिए ताकि पीछे से भी ये अच्छा लगे। जब ये हो जाए उसके बाद अब हमने हाथ बनाने, तो हाथ के लिए भी सेम जो हमने लेग के लिए किया था सेम हाथ के लिए भी हम करना है। आप ये देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा मोटा होगा, नीचे थोड़े से पतले, और अब हमें हाथ को भी ऐसे ही जोड़ना है। हमें दोनों हाथ सेम जोड़ना है ऐसे ही। जब ये दोनों हमारे यहाँ पे हैंड्स लग जाएं, अब हमें सूट बनाना है। उसके लिए हम एक छोटा सा पीस और लेंगे, इसे सेम हमने जैसे हाथ और पैरों को किया था वैसे ही करना है। हमें एक लंबे शेप में लेना है इसे और इसे अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें। आप ये देख रहे हैं इस शेप में हमें सूट बनाना है, थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें और दे दीजिए। और फिर हमें यहां पे सेंटर पे इसे पेस्ट करना है। यहां पे सूट भी लगा दिया है। फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी चीज है कि आप जब भी बनाएं तो ये पानी लेके इसकी फिनिशिंग जरूर करते जाएं साथ में, वरना इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो जब तक आपने पूरा कंप्लीट नहीं करा है, आप इसे पानी से सब तरफ फिनिश करते ही जाएं, ताकि इसमें चिकनाहट बनी रहे और क्रैक्स बिल्कुल ना आए, क्योंकि सूखने के बाद आपको ये फिनिशिंग करते फिर नहीं बनेगी। तो आप जितनी फिनिशिंग करना चाहें साथ साथ करते जा सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं बहुत एक प्यारा सा हमारा गणेश जी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बट ही बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं। तो चलिए हम इसके लिए अभी और इस पे डेकोरेशन करते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा पीस और चाहिए, जैसे आप ये देख सकते हैं एक छोटा सा पीस गोल ले लीजिए। अब हमें यहाँ पे मुकुट बनाना है, एक मुकुट जैसा शेप देना है। तो उसके लिए हमने एक राउंड शेप लेना है, उसे हमें एक मुकुट के शेप में बनाना है।
जैसे हम मोदक बनाते हैं, आप सबको पता होगा, ये आप देख सकते हैं कुछ इस शेप में। हमें ये यहाँ पे सिर के ऊपर हमें ये पेस्ट करना है, तो इसकी भी अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए आप पानी के साथ। और साइज अगर आपको बड़ी लगती है छोटी लगती है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहां पे भी आप नॉच लगा लें जैसे हमने पहले भी किया है, और सिर पे भी। कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब हमें कान बनाने, दो बड़े बड़े कान बनाने। उसके लिए हम अगेन एक बॉल लेंगे मिट्टी का, उसके बाद हमें इसे एक कान का शेप देना है। मैं आपको बताती हूं, आप ऐसे प्रेस करें अपने अंगूठे से या उंगलियों से, उसके बाद हमें यहां पे इसे शेप देना है। ये आप देख सकते हैं जैसा पेटल होता है, एक पेटल हमें इस शेप में बनाना है, और यहां पे इनके कान हमें जोड़ने हैं। हमें सेम ऐसा दो पेटल बनाना है, एक इधर जोड़ना है और एक इधर जोड़ना है। तो आइए पहले एक ये हम पेस्ट करें। इसके लिए अगेन आप टूथपिक लें, और जैसे मैंने पहले ही बोला था, जैसे हमने यहां पे कुछ निशान बनाना है, यहां पे निशान बनाना है, और ये अच्छे से प्रेस कर दीजिए और इसे यहां पे पानी के साथ अच्छे से यहाँ पे इसे जोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गिर रहे हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा मिट्टी डाल के आप पीछे पूरा बैग फिल कर सकते हैं, या तो ये टूथपिक लेके थोड़ी सी लकड़ी इसके अंदर भी डाल सकते हैं। आइए हम सेम इस वाले कान पे भी जोड़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये दोनों कान भी रेडी हो गए हैं। इस पे भी आप अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए। उसके बाद अब हमें यहाँ पे मुकुट पे डेकोरेशन करना है। उसके लिए थोड़ा सा चाहिए हमें मिट्टी, और इसे अगेन आप एक लंबे एक लंबा सा इसका एक रोल बनाएं। ये अब हमें यहां पे इसे पेस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं हमें ऐसे दो तीन लेयर बनाने हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर। उसके बाद हमें यहां पे दो आईज लगाने हैं, फिर ऑलमोस्ट ये हमारा गणेश जी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इस पे और डेकोरेशन करते हैं ऊपर। ये आप देख सकते हैं मैंने तीन लेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा दिए हैं, अब ये मैं चौथी यहाँ पे लेयर लगाने जा रही हूं। और ऐसे हमारा ये हेड कंप्लीट हो सॉरी मुकुट कंप्लीट हो गया। इसे थोड़ी सी फिनिशिंग दे दें ताकि ये इवन लगे। अब हमें बस यहां पे दो आईज बनाने हैं
और यहाँ पे एक मोदक लड्डू बनाना। तो ये तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें सिर्फ एक छोटा सा मोदक बनाना है जो हमें गणेश जी के हाथ पे रखना है और दो हमें आइस बनाने हैं। तो आइस के लिए भी आप छोटे छोटे से बॉल ले लें। आइस के लिए भी आप छोटे छोटे से बॉल ले लें और इसे पेस्ट करें। और बहुत प्यारे से और छोटे से लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनके नोज पे टूथपिक के हेल्प से थोड़े थोड़े निशान बना सकते हैं जो मैंने एक दो बनाए हैं। अगर आप यहाँ पे इसे कलर करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जब ये ड्राई हो जाए तो एक्रिलिक कलर या तो फैब्रिक कलर या जो रंगीला बच्चों के कलर्स आते हैं वो लेके आप इसे पूरा कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही मिट्टी के जो नॉर्मल गणेश जी होते हैं वो इसी शेड में होते हैं, आप इस कलर पे भी रख सकते हैं या तो पूरा ब्राउन कर सकते हैं। वो कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं, बस इसे ड्राई होने का वेट करें। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जैसे आपसे बात करी थी कि मैं यहाँ पे सिल्वर स्प्रे जो है वो यूज कर रही हूँ, तो जब ये कम्प्लीट हो जाए, अगर आपको सिल्वर स्प्रे यूज करना है ये ड्राई होने के बाद इसका आप स्प्रे कर लें इस पे, उसके बाद जब वो फिर से ड्राई हो जाए फिर से एक बार स्प्रे करें। ऐसे हमें दो तीन कोट करना है ताकि वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे ये एक मैंने दूसरा गणेश जी बनाया है जिसे मैंने सिल्वर कलर से सॉरी गोल्डन कलर से पूरा कलर किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये थोड़े से छोटे हैं साइज में, सो अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कलर इसे कर सकते हैं या तो ऐसे ही एज इट इज रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आया हो। आप ऐसे गणेश जी अपने बच्चों को बनवाएं घर पे और घर पे इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं और गणेश उत्सव एंजॉय करें और घर पे ही विसर्जन करें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।